छोटी छोटी कहानियां सिखाती बड़ी बड़ी बातें। आज की कहानी किशन महाशय की है। किशन का स्कूल पूरा हुआ, कॉलेज में दाखिला हुआ और कॉलेज में जाते जाते किशन की संगत बिगड़ गई, लगे पीने थोड़ा थोड़ा। लेकिन कॉलेज पूरा होते होते तो किशन पूरे रंगीन हो गए थे। पीने की आदत ने बड़ी बुरी तरह से किशन को घेर लिया था। अब किशन के माता पिता परेशान, समझाया लेकिन किशन ने कहाँ सुनना था, कहाँ समझना था। किशन की आदत दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। पीने की आदत ज़्यादा से ज़्यादा किशन को अपने घेरे में ले रही थी। अब किशन के पिताजी के मित्र थे एक फादर। किशन के पिताजी ने फादर को बोला, फादर किशन हर रविवार सुबह चर्च तो आता है, एक अच्छी चीज़ है, क्यों नहीं आप किशन को समझाते कि शराब पीना बंद कर दे। फादर ने कहा, देखो तुम चिंता मत करो, मैं किशन को इस रविवार को बराबर समझाता हूँ। और फादर करने लगे किशन का इंतजार। किशन आया और फादर ने किशन को बुलाया और किशन से कहा, देखो बेटा शराब बहुत बुरी चीज है और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि शराब इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है, तुम्हें शराब छोड़ देनी चाहिए। किशन मुस्कुराया, फादर को देखा और बोला, फादर पिछले रविवार को आपने ही कहा था कि हमें दुश्मन को अपने गले से लगाना चाहिए, हमें हर दुश्मनों को अपने गले से लगाना चाहिए और दुश्मनों से भी उतना ही प्यार करना चाहिए जितना प्यार हम अपने मित्रों से करते हैं। यही सुन करके तो मैं शराब को मित्र बना रहा हूँ और मित्रों के जितना प्यार कर रहा हूँ। अब आप मुझे बताइए कि यदि मैं शराब से प्यार करूं तो शराब को कैसे छोड़ सकता हूं। मैंने तो निश्चय ले लिया है कि शराब को जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा, शराब को जिंदगी भर प्यार करूंगा। गलत काम करने के बहाने बनाने की आदत, आज क्यों पिया, अरे भाई आज नहीं पीऊंगा तो कब पीऊंगा, इतना बड़ा खुशी का दिन है, खुशी मनाने के लिए पी रहा हूं। अच्छा आज क्यों पी रहे हो, अरे क्या बताऊं आज का दिन तो बड़ा गमगीन दिन है, ऐसा मनहूस दिन कभी मैंने देखा ही नहीं, अब इस मनहूसियत को भुलाने के लिए मैं पीऊं नहीं तो और क्या करूं। अरे भाई ये सब तो हुआ लेकिन आज क्यों पी रहे हो, अरे क्या बताऊं आज न तो कोई खुशी है न तो कोई गम है, करूं तो क्या करूं इसलिए पी रहा हूं। अब पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, उसी तरह हमें भी गलत काम करने का बहाना चाहिए। हम जब भी कोई गलत काम करते हैं या सही काम नहीं करते तो गलत काम करने का और सही काम नहीं करने का बहाना हमारे पास हमेशा तैयार होता है। मैं सुबह में देर से उठता हूँ, बहाना तैयार है। मैं ऑफिस में देर से पहुँचता हूँ, बहाना तैयार है। मैं पत्नी का जन्मदिन भूल जाता हूँ, बहाना तैयार है। हमारे पास बहाना बनाने की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है यहाँ पर। ये फैक्ट्री बहाने भी बनाती है और एंटी बहाने भी बनाती है। अब निर्भर इस पर करता है कि हम इस मशीन का उपयोग बहाने बनाने के लिए कर रहे हैं या एंटी बहाने बनाने के लिए कर रहे हैं। अगली कहानी में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद और नमस्ते।